Hello everyone, a great welcome to my channel. Today we are going to cover a poetry written by Matthew Arnold, the greatest critic of his era. Rugby Chapel, this is the name of the poetry. Very important topic for Lucknow University English BA Honours English Semester 3 Paper 1 Poetry. Let us know about Matthew Arnold. He lived from 1822 to 1888. Matthew Arnold, an English poet and cultural critic who worked even as an inspector of schools. ये भी question आ जाता है इनके बारे में competitive exams में कि what was his other profession other than being a writer. He was an English poet and cultural critic. ये तो हम जानते ही हैं और उनका work बहुत ही popular है from the 19th century. And though he wrote on a variety of subjects, but he is best known as a critic. इस टॉपिक के इंग्लिश सेमेस्टर 3 पेपर 1 पोएट्री के बाकी वीडियोस आप इस लिंक पर देख सकते हैं. द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन. पहले बात करते हैं थॉमस आर्नल्ड के बारे में, जो कि मैथ्यू आर्नल्ड के फादर हैं. इनका लाइफ स्पैन रहा 1795 टू 1842 एंड ही वर्कड इन अ स्कूल कॉल्ड रग्बी स्कूल, जो कि 1567 में फाउंड किया गया था. फाउंडेड इन 1567 एज अ free grammar school for local boys, it is one of the oldest independent schools in Britain. Thomas Arnold was an English educator and historian, and he was an early supporter of the church movements. As a headmaster, he worked in the rugby school from 1828 to 1841. फादर का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि ये पोएट्री जो है रग्बी चैपल, दिस इज एन एलिजी दैट मैथ्यू आर्नल्ड रोट टू हिज फादर 15 इयर्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ. दिस कैन बी अ स्मॉल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन टू होम दिस पोएट्री रग्बी चैपल इज डेडिकेटेड. इन रग्बी चैपल अ पर्सनल एलिजी आर्नल्ड मोर्स द डेथ ऑफ हिज फादर. He visits the rugby school which reminds him of his dead father, and father was so active, very enthusiastic and energetic that Arnold cannot think of him as a dead person. Kai baar koi person aapki yaadon mein itna zyada hota hai ki aapko lagta nahi ki that person is gone forever. Poetry ki kuch important lines cover karenge. Ye hai first stanza. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट हमें बताते हैं सराउंडिंग्स के बारे में. पहले सब तरफ कोल्ड एनवायरनमेंट है, सैड है, ऑटम का टाइम चल रहा है, एवरीथिंग इज क्वाइट ग्लूमी और पीली पीली पत्तियां जो है वो झड़ रही हैं. हर तरफ एक तरीके का सन्नाटा छाया है, साइलेंस है. अब उसके बाद वो उस ग्रेव की बात करते हैं, उस स्कूल की बात करते हैं जहां पर उनके फादर काम किया करते थे, और उस चैपल की बात करते हैं. ग्रेव को देखकर कहते हैं कि दाव माई फादर आर्ट ले, मेरे फादर यहाँ पर बरेड हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे फादर अभी भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग एब्सेंट प्रेजेंट विद मी. उनके फादर की जो रेडियंस है वो उनको अभी भी याद है, और फादर कंप्लीटली उनको एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक फील हो रहे हैं. कुछ और लाइंस करते हैं. देन इन सच आवर ऑफ नीड ऑफ योर फेंटिंग डिस्पिरिटेड ग्रेस, ये लाइक एंजल्स अपीयर रेडिएंट विद अदर डिवाइन बीकन्स ऑफ होप, ये अपीयर. लैंगर इज नॉट इन योर हार्ट, वीकनेस इज नॉट इन योर वर्ड, वेरीनेस नॉट ऑन योर ब्रो, ये अलाइट इन आवर वैन एट योर वॉइस, पैनिक डिस्पेयर फ्ली अवे. आप इतने अलाइव हैं, इतने लाइवली हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं पर भी आपको देखकर किसी तरीके की कोई वीकनेस वेरीनेस है. और पैनिक डिस्पेयर ऐसी जो भी चीजें, जो भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं ह्यूमंस की, वो आपको देखते ही चली जाती हैं. उनको ऐसा लगता है कि उनके फादर उनको कॉल कर रहे हैं अपनी कब्र से उठकर. द स्ट्रगलर्स रिफ्रेश द आउटवर्ड, ऐसा लगता है कि आपकी एक याद ही मुझे रिफ्रेश करती है, मुझे प्रेज करती है, मुझे इंस्पायर करती है. और करेज रिटर्न, आईज रिकिंडलिंग एंड प्रेयर्स फॉलो योर स्टेप एज ये गो. हर कोई आपसे मिलने वाला इंसान, जो भी इंसान आपसे कभी भी मिल चुका है, वो चाहता है कि आपके स्टेप्स को ही फॉलो किया जाए. ये फिल अप द गैप्स इन आवर फाइल्स, आप हमारी लाइफ्स में जितने भी गैप्स हैं वो आप फिल करते हैं. स्ट्रेंथन द वेवरिंग लाइन, स्टेब्लिश कंटिन्यू आवर मार्च
ऑन टू द बाउंड ऑफ द वेस्ट ऑन द सिटी ऑफ गॉड। आप बेशक से सिटी ऑफ गॉड में चले गए हैं, हेवन चले गए, बट स्टिल यू आर द वन हु हैव गॉट द होल्ड ऑफ आवर लाइफ्स। पोइट्री की जो बेसिक थीम है दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ सन विद अ फादर। देर आर वेरी फ्यू रिलेशनशिप्स इन अ मैन्स लाइफ दैट आर इम्पैक्टिंग एज दैट विच वन हैज विद वन्स फादर। आप में से बहुत लोग अग्री करेंगे इस बात से, वेदर वन्स फादर इज ऑल टूगेदर एबसेंट और ओवर बेयरिंगली प्रेजेंट। ऑल मेन आर डीपली टच्ड बाय देयर फादर्स, नॉट ओनली मेन बट फीमेल्स एज वेल। मैथ्यू आर्नल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल नेचर वाज एक्चुअली अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट हिज फादर हैड ऑन हिज क्रिएटिव एंड इमोशनल लाइफ एंड ही इज स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट इम्पैक्ट, दैट द इम्पैक्ट इज इंटैक्ट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.